महोत्सव के दौरान रात्रि में जल महल स्थित गोपाल सागर में महंत मुरारी लाल पाराशर के नेतृत्व में 11 पंडितों ने विधि विधान के साथ गोपाल सागर में लोगों द्वारा दीपदान किया गया। इस दौरान गोपाल सागर दीपों से जगमगा उठा। बिग महोत्सव के दौरान पूरा जल महल रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा था। जल महल में इन्हीं रोशनियों के बीच राजस्थान के विभिन्न जिलों से आए कलाकारों द्वारा राजस्थानी संस्कृति की छटा बिखेरी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ बाड़मेर से आए हाकम खां पार्टी द्वारा गणेश वंदना के साथ किया गया। कार्यक्रम के दौरान लोक कलाकारों द्वारा लोक रंग विरासत की झलकियों की मंच पर प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में घूमर, कालबेलिया नृत्य, मयूर नृत्य, खारी नृत्य, खड़ताल, चक्री नृत्य, चरी नृत्य, तेहरताली नृत्यों को पर्यटकों द्वारा लुफ्त उठाया। इस दौरान जल महलों से चल रहे हरे भरे उगानों में भारी भीड़ देखने को मिली। कार्यक्रम का संचालन भगवान मकरंद कामवन द्वारा किया गया। जल महलों की नगरी में जहां ऐतिहासिक ये पर्यटन विभाग की ओर से कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है, उसमें विभिन्न अंचलों से कलाकार आए हुए केवल अपनी लोक संस्कृति की, जो लोक संस्कृति थी, जो लोक परंपरा थी, उस लोक परंपरा और संस्कृति का दर्शन कराने के लिए उस प्राचीन भवन में यहाँ से हमारे राजा महाराजाओं ने लोक संस्कृति का दर्शन जन जन तक पहुँचाया। आज वो ऐतिहासिक मेले के माध्यम से ऐतिहासिक में ऐसे कलाकारों का, मेरा अपना मानना यही है कि लोक संस्कृति का प्रचार होगा तो घर घर में प्रकाश होगा। कलाकार कहाँ कहाँ से आए? कलाकार हमारे छबड़ा बारा से भी आए हैं, विभिन्न अंचल राजस्थान के विभिन्न अंचलों से, चाहे वो छबड़ा बारा हो, चाहे वो कालबेलिया लोक नृत्य हो, चाहे वो मयूर नृत्य हो, चाहे वो अपने जो है का ये सहरिया नृत्य, बहुत सारे लोक नृत्य कलाकार अपनी कला और संस्कृति का प्रचार करने के लिए हमारे डीग के ऐतिहासिक मेले में जो पर्यटन विभाग देवस्थान पर्यटन विभाग की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है, उस कला का, उस छवि को दर्शन करने के लिए।